मुझे इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा है, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी ऐसे ही मेकअप करें। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सोचो जरा कैसी अजीब बात है, मेकअप के बाद भी मेकअप ठीक नहीं लग रहा। हालांकि मेकअप के करिश्मों से तो सब वाकिफ हैं, पार्लर से तो इंसान एक नया इंसान बन के निकलता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मेकअप के ऊपर यकीन रखते, वो सर्जरी के ऊपर यकीन रखते, इसलिए वो कुदरत की बनाई हुई ब्यूटी की बजाय अपनी ब्यूटी पर यकीन करके अपना सत्यानाश कर लेते हैं। सत्यानाश से याद आया, हमारे शान ने शाहरुख खान की शान में एक ट्वीट किया कि इंडियन मुस्लिम पठान का वेट कर रहे हैं, मोदी से ज्यादा पठान की पॉपुलैरिटी है। इंडिया को एक नए पीएम की जरूरत है जो कि शाहरुख खान को होना चाहिए। हैं ना मक्खन। इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय, नीचे कमेंट्स में बताएं। और हाँ, पठान ने एक दिन में 106 करोड़ कमा लिया। 106 करोड़, इंडिया की सिनेमा हिस्ट्री में फर्स्ट डे कलेक्शन का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बॉलीवुड की बात हो रही है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस किसने नहीं देखी, तो उन दोनों को मिला के एक नई फिल्म बनाने का फैसला किया गया जो कि 2023 में ही आएगी। और सनी देओल की फिल्म गदर को कौन नहीं जानता, ओए हिंदुस्तान जिंदाबाद था, कौन नहीं जानता। गदर 2 को भी रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। वैसे उस दौर में सनी देओल पाकिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बनाने के लिए ही पाकिस्तान में ज्यादा मशहूर था। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। यार एक तो मुझे इन टिकटॉकर्स की समझ नहीं आती, बच्चा अभी पैदा हुआ कोई नहीं, जेरे तमीर बच्चा है लेकिन उसका ढिंडोरा पहले ही पेटना शुरू। अब इसी को देख लो, ऐसे सुन रहे हैं जैसे बच्चा इसको दूर से ही आवाजें दे रहे हैं। एडी कम्युनिकेशन तो नहीं हुई अभी तक। अंदर बच्चा या कबाड़िया, लो या बेच लो, 50 रुपए किलो ले लो, बेच लो 15 रुपए किलो। और तू सुन, अच्छा अच्छा ठीक है। और जरा इनका हिसाब लाओ, हर दूसरे दिन बच्चे को साथ लेके कोई ना कोई फोटो शूट हो रहा है। बच्चा भी पागल हो रहा है, मैं कितिया अंदर ही ठीक था, बल्कि अंदर भी कहाँ ठीक था भाई, ठुमके शुमके चलते रहते थे, उसके लिए अंदर तो जलजले ही आए रहते थे। ये आजकल फैशन बन चुका है, ढिंडोरा पहले भी पीटना है और बाद में बोता पीटना है। फैशन से याद आया, फैशन की आजकल कोई समझ नहीं आ रही, लड़की इधर जा रही है, सूट इधर जा रहा है। और ये सूट तो लड़की, लड़का है या लड़की है, चलो जो भी है, सांग में घुस रहा है, वाड़ी चल रहा है अंदर। और जो नेक्स्ट है ना, उसने तो खीर कर दी, वो सूट ही साथ ले आया है। ए देखो जी, ऐ भैया जे सूट, यार फैशन की कोई भी समझ ही नहीं आ रही। मैंने देखो क्रोशिए के स्वेटर देखे हैं, टोपियां भी देखी हैं, दस्ताने भी चलो मान लेते हैं, जराबे भी मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? नहीं मतलब अब इसको क्या नाम दे, नक स्वेटर, नोज स्वेटर, क्या दें इसको नाम। अब देखो पाकिस्तान भी जो ना वो फैशन में पीछे नहीं। अब इसी कन्या को देख लो, इसने 2-3 दर्जन सूटों की बची हुई कतरों से सूट बना लिया। मैंने सारी दुनिया के सूटों की कतरों से मिला के एक सूट बना लिया ओ साथी। असल में ये फैशन नहीं, खेल कूद है, जिस चीज का दिल चाहे फैशन बना लो। अब मैं ये जैक पकड़ के रैम वॉक शुरू कर दूं, फैशन है ओ फैशन। लेकिन एक मिनट, खेल से याद आया, हमारे वहाब रियाज सब सियासत में आ गए हैं। अंदर के सूत्रों से नहीं, सरेआम सूत्रों से पता चला है कि वहाब रियाज सब वजीरे खेल का हलफ उठाएंगे। अभी तो वो फिलहाल बांग्लादेश गए हुए हैं लीग खेलने, वापिस आके वो खेल के मिनिस्टर का हलफ उठाएंगे। इस तस्वीर को देख के बताएं शादी किसकी हो रही है। अफकोर्स सहरा याद की शादी हो गई है, इसलिए आपको पता है कि दूसरी लड़की की शादी है, वगरना सहरा याद जितना तैयार होके आई है वो अपनी शादी समझ के ही आई है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। मुल्क के हालात की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, डॉलर 260 रुपए का हो गया है, 260। इमरान खान का कहना है कि जरदारी मेरे कत्ल की सुपारी में शामिल है। जिस तरह के मुल्क के हालात हो रहे हैं, बंदे इतने पागल हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि खुद सुन लो। भाई सब चोर हैं इस मुल्क में, बेशक कायदे आलम खुद अपने मफाद के लिए हम लोगों को यहाँ ठोक दिया लाके। अन्नी दिया ठीक है, मान लिया सारी चोर है, लेकिन तूने कायदेजम की रूह को भी तड़पा दिया। असल में ये वही बंदे हैं जो अड्डे की नुकरों पे सिगरेट लगा के बोल रहे होते हैं, सारी चोर ने आप इतने बेगैरत हो। एक और बात, जिस तरह पिछले दिनों लाइट गई है ना, उसके ऊपर मीम बनी है कि अगर पाकिस्तान फुटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट करे तो क्या हो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से न्यूज है कि फिरोज खान के साथ इकरा अजीज अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि फिरोज खान वाला मामला जो आपको पता हुआ है, उसके बाद दानिश तैमूर का नया ड्रामा आने वाला है जिसमें उनका नाम चांद होगा। पहले मेरा नाम शमशेर था या नहीं था, लेकिन अब मेरा नाम चांद हो गया है बहुत जल्द। और फिरोज खान की साबका बेगम अलीजे इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती। शोबिज आने का कोई इरादा है, पीआर की स्टार्ट कर लिया आपने, शोबिज नहीं आ रही, कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रही है आप शोबिज में? आप
नहीं कर रही ना, ये सुनने में आ रहा है कि ड्रामो मेरी जो है वो आ रही है। अच्छा ओ भाई तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अगर उनका दिल नहीं कर रहा तो तुम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो। आगे थोड़ी लड़कियां पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में एक बेलचा मार के ऐसे सूटो तो 10-15 लड़कियां निकल आती हैं। लेकिन नहीं, इनको हर फेमस लड़की को शोबिज में वारना है कंट्रोल। तो खैर ये दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना था। नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, जिसमें हम न्यूज को थोड़ा सा शुगर में लगा के कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लाइक करना नहीं भूलना इस वीडियो को, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो भाई टेंशन ना लो, बहुत चेस वाली वीडियोस आने वाली हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।